हाँ इसको दो राइडिंग के हिसाब से जाओगे ना आप तो राइड एंजॉय नहीं कर पाओगे इतना रास्ता। चलो दो घंटे का रास्ता दिखा रहा अभी। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो गाइस कल हम पहुंचे थे दिल्ली से बूंदी और ये हमारे पीछे है हवेली जिसके अंदर हम रुके हुए हैं, द बूंदी इन द हेरिटेज हवेली, जो एक होमस्टे कह लो या होटल कह लो, बहुत ही शानदार है यार, पुरानी फील करा। बाहर से मैं व्यू दिखा देता हूँ। एक तो ये देखिए सामने जहाँ हमारी बाइक खड़ी है ये सामने, और ये फोर्ट है ऊपर, ये अभी जाएंगे हम यहाँ पे। सामने फोर्ट नज़र आ रहा है, ऊपर टावर है वो देखिए, ऊपर टावर, और ये भी एक महल है ये सामने, और ये पूरी बाउंड्री है ऊपर, चारों तरफ से पूरा बंद कर रखा है बाउंड्री से। तो अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है ये, अभी आपने देखा जो यहाँ पे जो फोर्ट को हमने एक्सप्लोर करना है, एक लेक है और जो भी बेस्ट मैं यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उसको हम देखने जाएंगे। उसके बाद हम निकल जाएंगे उज्जैन को। उज्जैन यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है, तो 6 घंटे की राइड हमारी और है, और आज का स्टे हमारा होगा उज्जैन में। तो अभी करते हैं हम ब्रेकफास्ट, और ये है पोहा विद समोसा और साथ में है चाय, और ये हम एक बाइक लगे हुए खड़े में। कैसा आया टेस्ट? मज़ा आ गया, भूख लग रही है। और भाई साहब हैं, नमस्ते, कमल सिंह नाम है मेरा, बूंदीन का ओनर हूँ मैं। और बहुत ही अच्छी हवेली है और रहने की जगह है बूंदी में, अगर आप आएँ तो इनके होटल में ज़रूर आएँ। इनका नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे फ़ोन करके फिर बात करके आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है यार। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं फोर्ट को देखने। यहाँ से कितनी देर होगा? 5 मिनट के वॉकिंग है यहाँ से। अच्छा, और आप पहले जाएंगे, पहले वहाँ से टिकट लेंगे, नीचे पहले जो बना हुआ है जो आपने ऊपर से फोटो खींचे वो देखेंगे पहले। हाँ। फिर उसके बाद में फिर आप बाइक लेके और टीवी टावर वाले रास्ते से फोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप फोर्ट देख लेना। अच्छा, ये पहले से सामने जो ये पहले से सबसे पहले महल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बूंदी का महल, और ये है बूंदी की गलियाँ, बूंदी की स्ट्रीट, और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे मिलते हैं, और बताया जाता है कि यहाँ मोस्टली फॉरनर आते थे और आजकल ये इंडियन टूरिस्ट आने लगे, नहीं तो इससे पहले मोस्टली फॉरनर ही आते थे यहाँ पे। तो हम पहुँच गए हैं तारागढ़ किला, और ये है राजमहल, बूंदी का राजमहल, और ये सामने टिकट काउंटर है, टिकट ले लिया है, और ये दरवाज़ा एंट्री गेट, हाथी पोल, रतन दौलत, छत्र महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक, टेलीग्राम फोर्ट, ये सब देखने को मिलेगा ऊपर। हम गढ़ पैलेस में एंटर कर गए हैं, और हमारे गोप्रो सब भाइयों ने रखवा दिए हैं, कह रहा जी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, अपने कैमरों से मोबाइल से कर सकते हैं। ये भाई हमें समझ नहीं आई ये कहानी क्या है। तो ये है गढ़ पैलेस बूंदी का, ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे है, हाइट पे। चित्रशाला कहते हैं कि काफ़ी अच्छी पेंटिंग देखने को मिलेगी, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। ये पीछे महल है चित्रशाला, ये यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, काफ़ी मशहूर थी पेंटिंग बूंदी की पेंटिंग्स, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और ये व्यू देख लो बैक बूंदी का व्यू, ये पीछे पूरी बूंदी सिटी है पीछे, चलते हैं अंदर। और हम आगे हैं चित्रशाला, ये देखिए चित्रकारी देखिए यहाँ की, ओह बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी। ये पेंटिंग सेक्शन है जहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं, जैसे ये रासलीला, कपड़े लेके गए हैं ऊपर देखिए कपड़े हैं, और ये गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है एक उंगली से, ये नृत्य कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे महल में बैठे हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन है श्री कृष्ण का जिसमें लीलाएं दिखाई गई हैं भगवान श्री कृष्ण की। ये राजा का दरबार, ये राजा यहाँ पे हाथी लड़ते हुए, ये देखिए ये दिखा रखे हैं मुगल आई थिंक। हाँ बहुत ही शानदार है ये चित्रशाला, वाकई में बहुत ही शानदार है।
आप बूंदी आए तो एक बार चित्रशाला जरूर आए यार, देख के मजा आ जाएगा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं छतर महल, फूल महल और बादल महल। और ये सामने है मेरे है हाथी पोल, ये है हाथी पोल, सामने आपको देख पा रहे होंगे दो हाथी बने हुए हैं। और ये मेन एंट्री गेट है महल की, ये देख लो। और ये हम एंटर हो रहे हैं महल के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त दरवाजे हैं, इतने भारी दरवाजे हैं, कम से कम 200-300 साल पहले के। ये देखें नोक, ये देख लीजिए, ये व्यू देख लो एक बार महल का। तो ये आप देख रहे हैं ये है छतर महल, बहुत ही खूबसूरत है यार ये भी। और मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ आपको छतर महल। और ये पूरे हाथी हाथी बने हुए हैं ऊपर, मैं क्लोजली दिखाऊंगा अभी। और ये व्यू देख लो आप, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए हाथी, हाथी ही हाथी चारों तरफ। मायावती को बुला लो यहाँ पे, क्या हाथी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बूंदी के राजा ने हाथी हाथी बना रखे हैं। लगता है मायावती यहीं से इंस्पायर होके गई होंगी। बहुत ही खूबसूरत है यार छतर महल, चलते हैं आगे। और अभी हम पहुंच गए हैं फूल महल में, और ये भी बहुत ही शानदार महल है यार। क्या राजा की ज़िंदगी थी, बहुत ही शानदार यार, सभी राजाओं की। बहुत ही खूबसूरत महल है, ये देख लीजिए। ये बेडरूम होगा इनका अंदर का महल के, काफ़ी खूबसूरत है यार। ये नक्काशी देखो, हर चीज़ देखो, एक से बढ़कर एक है फूल महल। चलते हैं आगे अब। और ये है बादल महल। बादल महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, ऊंचाई पे है। और ये देख लीजिए पेंटिंग, नक्काशी एक नंबर की, पूरे महल पे पेंटिंग हुई पड़ी है, ये देख लो। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। तो ये बादल महल से टॉप व्यू है, और ये नवसागर लेक है ये सामने, जो हमने यहीं कहीं पे डिनर किया था। और रात को इसी रास्ते से हम आए थे अपने जो गेस्ट हाउस पे। और ये महल देख लीजिए, और फोर्ट ऊपर है वहाँ पे। अब देखते हैं बाइक से जाते हैं कैसे जाते हैं। तो अभी हम पैलेस को एक्सप्लोर करके आए हैं, बहुत ही शानदार पैलेस है। और अगर आप बूंदी आएँ तो पैलेस ज़रूर आएँ। और अब हम जा रहे हैं तारागढ़ फोर्ट, पैदल के भी रास्ता था, पहले से ही ऊपर जा सकते हैं तारागढ़ फोर्ट के लिए, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन बाइक से भी रास्ता है, और ऊपर एक टीवी टावर है वहाँ तक बाइक जाती है। तो हम बाइक से जा रहे हैं टीवी टावर तक। और अभी आप बूंदी का व्यू देख रहे हैं, बूंदी की गलियां, बूंदी के घर, बूंदी की सड़क। और हमने सोचा नहीं था कि बूंदी में इतना अच्छा कल्चर होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है बूंदी। यह है नवल सागर लेक। तो ये माउंटेन के पीछे से रास्ता बना हुआ है तारागढ़ फोर्ट के लिए। अगर बाइक से जाते हैं तो हम टीवी टावर के आसपास पहुंच जाएंगे, वहाँ से फिर पास में ही है तारागढ़ फोर्ट। क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये हम माउंटेन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो टीवी टावर है काफ़ी हाइट पे है, उसके साथ में ही है तारागढ़ फोर्ट। ओहो, ये आ गया टीवी टावर, काफ़ी बड़ा टीवी टावर है, और तारागढ़ इस तरफ है। फोर्ट के लिए यहाँ से जाना है। और ये सामने आप देख रहे हैं ये है तारागढ़ फोर्ट, बाय रोड का रास्ता है तारागढ़ फोर्ट। और तारागढ़ किला निजी संपत्ति है ये। तो
साले हम कहाँ ले आए बाइक, यही खड़ी कर देते हैं नीचे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं तारागढ़ फोर्ट बाय रोड, और ये बाइक हमारी देखिए कहाँ पे खड़ी है, बिल्कुल मेन गेट पे है। और ये सामने है चमुंडा द्वार, मैं दिखा देता क्लोजली, ये है चमुंडा द्वार। और अमित भाई जा रहे हैं ऊपर को, तो चलते हैं अंदर का व्यू दिखा देते हैं, जो भी मेन अट्रैक्शन है अंदर की वो दिखा देते हैं। जीवन रक्षक कुंड है, नाम बताओ अमित, रानी महल, भीम बुर्ज, शिव मंदिर, क्षत्रिय गढ़ पैलेस, ये सब हम ऊपर देखेंगे। तो एंटर करते ही सबसे पहले हमें ये बावड़ी मिलती है, तो पानी तो गंदा हुआ पड़ा है, और अब यहाँ से आगे निकल लेंगे। और ये चबूतरा है, और आगे मंदिर होगा, एक दो तीन चीज़ें और देखने की है। चलते हैं, यहाँ से हम आए थे और आगे जाना है, और वहाँ से हम आए हैं आगे। हम पहले हमने एक बावड़ी देखी, और ये सेकंड बावड़ी है, और ये सामने है रानी महल। तो अब चलते हैं रानी महल में, ऊपर जाके थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं और व्यू देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर तो हम पहुँच चुके हैं रानी महल में, ये चारों तरफ का व्यू 360 व्यू, और ये सामने से एंट्री की है हमने, और अब चलते हैं ऊपर की साइड, ऊपर से अच्छा व्यू होगा। ऊपर हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे एक पूरी गैलरी बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, मतलब मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी ये फोर्ट। और फोर्ट के चबूतरे पे आ गए हैं, और यहाँ से पूरी सिटी का व्यू नज़र आ रहा है, ये सामने देखो पूरी सिटी का व्यू नज़र आ रहा है, ये फोर्ट है। और महल जो हम देख रहे थे वो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता बिल्कुल नीचे जा रहा है, हाफ एन आवर में आप पहुँच जाएंगे नीचे। और हम जो आए हैं, ये हम आए हैं यहाँ से टीवी टावर के साइड से, और ये सामने अरावली की हिल्स दिखाई दे रही हैं, और ये बावड़ी अभी दिखाई थी आपको मैंने। तो यही है यहाँ पे फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री करी थी हमने। ऐसी तरह से वो फोर्ट की दीवार है चारों तरफ की, जो नीचे से दिखाई दे रही थी। तो गाइस अभी हम हैं भीम बुर्ज पे, और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लेक मिली है हमें पीछे, ये भीम बुर्ज के बिल्कुल बैक साइड पे है, उसके बीच में मंदिर भी बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी लेक है यार, और साफ़ सुथरी लेक है सबसे बड़ी बात है। और ये पूरा व्यू है 360 व्यू, ये टीवी टावर, ये रानी महल, बहुत ही खूबसूरत है, अरावली हिल्स से चारों तरफ घिरा हुआ है ये पूरा एरिया। तो ये सामने है शिव मंदिर, आप जो देख रहे हैं ये शिव मंदिर है, ये पूरी बूंदी सिटी, ये देख लो नवसागर, बूंदी सिटी, और ये शिव मंदिर, और ये फोर्ट के अंदर है। तो अब चलते हैं वापसी, सब कुछ देख लिया हमने बूंदी में मोस्टली, और फोर्ट है, महल है, तो ये कुछ है मेन अट्रैक्शन यहाँ की बूंदी की, और इसके अलावा बावड़िया वगैरह काफ़ी कुछ है। तो लेकिन अभी हमने जाना है उज्जैन, तो निकलते हैं यहाँ से, अभी कहीं लंच करेंगे उसके बाद निकल लेंगे। तो भाई आज की राइड बड़ी ख़तरनाक होने वाली है, 3 बज चुके हैं, और अभी भी 300 किलोमीटर हमने डिस्टेंस करना है, कवर करना है उज्जैन के लिए। और गूगल भाई 7 घंटे बता रहे हैं, 3, 7, 10, रात के 10 या 11, 12 भी बज सकते हैं, हमारे रात को कितनी राइड कर पाएंगे वो देखेंगे, लेकिन आज वाट लगने वाली है, और काफ़ी हैट्टिक हो गया, एक दिन में सारा कुछ करना बड़ा हैट्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे उज्जैन पहुँचने की। तो सारी पैकिंग हो चुकी है, ये मेरे दोनों बैग पैक हो चुके हैं, हेलमेट, बाकी सारा अमित भाई ले जा चुके हैं अपना सामान, मैं मेरा ये सामान है बस, मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, बाइक पे लगाऊंगा फिर निकल जाएंगे। हाँ वो तो बेसिक चीज़ है ना आपकी, बेसिक चीज़ है। अब आज भी पानी में भी बैठा रहे ना, पानी में भी समुद्र में बैठे हैं, आज बीच में बैठे हैं, पीछे से कमाई होती रहे ना। हाँ उधर जहाँ से हम मुड़े थे ना वापसी को, सीधा निकल जाएंगे इधर से भी, इधर से लेफ्ट है, सीधा सीधा ठीक है। आपका नाम क्या है? हरिओम शर्मा। और आपका? मनीष जी। तो बहुत बहुत थैंक यू यार, चलते हैं अब यहाँ बूंदी से फिर आएंगे दोबारा। हाँ इधर से ही निकल ले। हाँ
चलो जी ठीक है। और ये है बूंदी की मार्केट, बूंदी को बाय बाय करते हैं। और ये घोड़े की मूर्ति दूसरी जगह देखिए, पहले हमारे वहाँ पे लगी हुई थी एक यहाँ पे। तो अभी हम कोटा वाले रूट से जाएंगे उज्जैन को, और 300 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है। समय 3:15 बज चुके हैं और उम्मीद है 10 बजे तक ये पहुँचने की। और आज कम से कम ब्रेक लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि समय कम है डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आज फुल टू स्वाट लगने वाली है। और इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बूंदी में बने पड़े हैं, क्योंकि ये पूरी बूंदी सिटी थी अंदर, ऊपर महल था। और आज हमारी राइड का डे 2 है। मॉर्निंग में हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया यहाँ के पैलेस को, यहाँ के फोर्ट को, उसी में हमारे 3-4 घंटे लग गए। और 2-2.5 बजे तक हमने तो ब्रेक लंच कर ख़त्म किया, और उसके बाद आए हाफ एन आवर में हम पूरा रेडी हो गए हैं, चेकआउट कर दिया, कहाँ मार्केट में घुस गए हम। तो ब्यूटीफुल मार्केट है ये, हम गलती से मार्केट में आ गए हैं, गलत जगह घुस गए। तो अभी आप देख रहे हैं बूंदी की मार्केट, और ये है पूरा बूंदी सिटी। चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है उज्जैन। उज्जैन में काफ़ी सारे मंदिर हैं देखने को, और मेन जो हम मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो ये मेन हाईवे आ गया है, तो जयपुर कोटा वाले हाईवे पे हम पहुंच गए हैं। हम मेरी बाइक में 1100 रुपये का पेट्रोल आया और टैंक बिल्कुल फुल हो चुका है। और अब सीधा हम जा रहे हैं उज्जैन को, और कोटा होते हुए जाएंगे। कोटा से रास्ता शायद राइट हैंड को जाएगा। तो ये देख लीजिए हाईवे NH 12 है आई थिंक, जो जयपुर से कोटा को आता है। अभी हमने चाय पी है, मैंने चाय पी है, अमित भाई ने तो चाय नहीं पी। और यहाँ से हमने चाय पी, चाय तो काफी बढ़िया थी। और कौन सा गांव था पीछे, कौन सी जगह थी, झालावाड़। तो झालावाड़ को क्रॉस कर लिया है, और अभी डिस्टेंस है 172 किलोमीटर है, और 10 बजे दिखा रहा है गूगल भाई, और 4.5 घंटे और लगने वाले हैं अभी हमारे। चले अमित भाई, चार घंटे 25 मिनट है? नहीं, पंचर का सामान लेके चलते हैं। सामान है, पंचर का सामान है, और कुछ कैमरा कुमरे का सामान है। रिकॉर्ड करते हैं ना जगह पूरा, अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पे चाय पिया हमने, बताया यहाँ चाय पिया है। YouTube पे डालेंगे जी। ये चैनल है, हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करो इसको। YouTube देखता है, कर लिया मैंने जाट ऑन व्हील्स। हाँ बस ये वीडियो आएगा, वे देखना पड़ी, तुम्हारी भी फोटो आएगी। बस यार थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं ठीक है। हाँ थोड़ा गाड़ी तीला अंकल, थोड़ा ऊपर आ गए।
थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, आओ तो मिलके जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर चाय भाई बोल ले लेना। ले लिया। रोड ट्रिप में यही मज़ा है यार, नए नए अच्छे दोस्त मिलते हैं, लोग अच्छे काफ़ी पसंद करते हैं। चलें क्या रह गया? तो अब हम निकल पड़े हैं झालावाड़ से कुछ आगे, और 30-35 किलोमीटर का रोड अच्छा है, उसके बाद काफ़ी ख़राब रोड मिलने वाला है, भाई ने तो यही बताया है। और 100-150 किलोमीटर का रोड काफ़ी ख़राब मिलने वाला है। तो गाइस अभी छोटा सा ब्रेक लिया, रास्ते में इतनी गंदी रोड मिली है ना कि बहुत कमर टूट गई यार। और अब थोड़ा रोड ठीक मिली है, लेकिन वन वे हो गई है, सिंगल रोड हो गई है, क्योंकि दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अमित भाई की बाइक को चेक कर रहे हैं, हवा उनकी बार बार कम हो रही है, तो हवा भरवा लेते हैं फिर चलेंगे। और यहाँ पर जो छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर चाय पी के फिर निकलेंगे। तो अभी 7 बजे हैं और 3 घंटे की और राइड दिखा रहा है हमें, चाय पी के चलते हैं फिर।